हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चैनल वैदिक पाठशाला। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्राइबल रिवॉर्ड्स। हम लोग जो बुक फॉलो कर रहे हैं अभी, वो है आपकी लूसेंट की जीके, है ना। अगर आपने पहली बार आए हो हमारे चैनल पे, तो आप पुराने वीडियोस भी हमारे प्लेलिस्ट पे जाके क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको एंशंट हिस्ट्री की भी मिल जाएगी, है ना, आपको मॉडर्न हिस्ट्री तो हम पढ़ ही रहे हैं, और मिडिवल हिस्ट्री का भी मिल जाएगा लेक्चर। साथ में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारा यहीं पे मिल जाएगा। लूसेंट का, लूसेंट ज्योग्राफी, लूसेंट पॉलिटी सब यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। लूसेंट इकोनॉमी, और ये सारे तो वन डे एग्ज़ाम के लिए। देखो, लूसेंट किताब जो है वो आपके लिए वन डे एग्ज़ाम के लिए ही बेटर है। मैं कई हर लेक्चर में बोलता हूँ आपको, ताकि आप इसको उसी तरीके से पढ़ें, ठीक है। ज़्यादा इसमें नहीं दिया हुआ, हाँ इसमें फैक्ट्स बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर, ट्राइबल रिवॉर्ड्स। सबसे पहले जो हमारे सामने है रिवॉर्ड, वो क्या है? चुआर ट्राइबल रिवॉर्ड हुआ था, ठीक है। किन्होंने किया था? ट्राइब भी चुआर थी। कब हुआ था? 1766 से 72 के बीच में, 6 साल चला। लीडर कौन थे? जगन्नाथ, राजा जगन्नाथ, चुआर का जगन्नाथ राजा थे। क्यों हुआ था? एक्सेस रेवेन्यू डिमांड, और बंगाल का फमीन हुआ था। फमीन के टाइम में भी अंग्रेज कोई रिबेट नहीं दे रहे भाई, एकदम दबा करके रेवेन्यू डिमांड कर रहे हैं, तो कहाँ से लोग देंगे? रिवोल्ट ही करेंगे, है ना। फिर दूसरा हुआ आपका भील्ट का ट्राइबल रिवोल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ये आपका 1870 में हुआ था, याद रखना आप, ठीक। और लीडर थे सेवाराम। एग्रेरियन हार्डशिप, वही सब एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है, वहाँ पे बहुत परेशान किया जाता था लोगों को, तो उस चलते वहाँ पे रिवोल्ट हुआ, ठीक है। देखो, इन आपको कॉज याद रहे या ना रहे, ठीक है, मेन आपको याद रखना है क्या, साल और आपका कौन लीडर था वो, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा तरीके से इन्होंने कर रखा है, कि एक तरीके से इन्होंने ईयर वाइज ऊपर से नीचे बनाया हुआ है ना। तो अगर आप कहीं ना कहीं देखो, आप ये लाइन से भी याद रखोगे ना, तो आपको याद रह जाएगा, है ना, कि हाँ ये उससे पहले हुआ था या उसके बाद हुआ था, जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, अरेंजिंग ऑर्डर आता है। तो अगर आप इसी तरीके से याद भी कर लें ऊपर से नीचे, तो आपको याद हो जाएगा कि पहले कौन सा हुआ था, बाद में कौन सा हुआ था, ठीक है। तो मैं यही प्रेफर करूँगा आपकी ऐसे ही याद करें ऊपर से नीचे, और कहीं भी आप इसको उस तरीके से याद ना करें बीच बीच में, ठीक है ना, वो बेटर रहेगा आपके लिए। तो ठीक है, तो हमने भील्स का देख लिया ट्रैवल रिवॉल्ट। फिर होस 1820 में, इनके लीडर का नाम नहीं पता, क्योंकि ये एक कम्युनिटी एज अ यूनाइटेड, इन्होंने अटैक जो सिरभूम में ऑक्यूपेशन हुआ था ब्रिटिशर्स का, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी, तो यहाँ पे लीडर का नाम पता नहीं चल पाया, है ना, किसने दिया था। देखो, हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है ना, जहाँ पे बहुत सारा स्कोप है रिसर्च का, हाँ बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं। खैर, हम उस टॉपिक पर नहीं जा रहे हैं वापस। तो वो उसका ये था। रामोसी 1822 में हुआ, कौन थे लीडर? चित्तूर सिंह, प्रताप सिंह, दत्ता राय पाटकर, ठीक है। क्यों हुआ था? ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुआ रिवोल्ट था, बस और क्या। मेन कारण क्या होते थे? देखो, दो ही तीन मेन कारण है, एग्रीकल्चर, एक्सेस रेवेन्यू, एग्रीकल्चरल हार्डशिप, और यही दो तीन होती थी चीज़ें। अंग्रेजों के खिलाफ मेन गुस्सा यही था, मेनली, मेजरली, है ना। तो रामोसी मूवमेंट आपका 1822 में हुआ है, चित्तूर सिंह, प्रताप सिंह, दत्ता राय, आपको याद रखना। कोलीज 1824 में क्यों हुआ था जी? डिसमेंटल ऑफ फॉरेस्ट के कारण। चलो, अहोम 1828 से 33 तक चला। गोमधर और कुंवर दो लीडर थे, गोमाधर और कुंवर, ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के खिलाफ, ठीक है। अहोम आसाम की तरफ में था, गोमाधर कुंवर आपके लीडर थे यहाँ के, गोमाधर कुंवर, ठीक है। देखो, इम्पोर्टेंट अभी तक कौन सा है आपका? एक आपका भील इम्पोर्टेंट है इसमें से, रामोसी इम्पोर्टेंट है, अकोल इम्पोर्टेंट, अहोम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। खासी विद्रोह, खासी आपका मेघालय की एक जाति है वहाँ का, 1829 से 32 के बीच में हुआ, तीरथ सिंह थे, ठीक। कोल 1831-32, बुद्धा भगत थे इसके, ठीक। कोल भी बहुत इम्पोर्टेंट आपका है, ठीक है, रिवोल्ट। संथल रिवोल्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये तो 1857 से, ठीक, एक साल पहले ही हुआ था, तो आपको याद रखना है, 55 से शुरू हुआ था, 56 में ख़त्म हुआ, सिद्धू और कानू ने किया था। नागीता ट्राइबल रिवोल्ट कब होता है? 1857 के एक साल बाद। 1859 में कौन सा रिवोल्ट हुआ था?
आपको याद है 1859 में हुआ था आपका इंडिगो रिवोल्ट, ठीक है, हमने इससे पहले वाले में पढ़ा था। चलो, 1858 में नकीदा रिवोल्ट, रूप सिंह इसके हैं, क्यों हुआ था जी? फॉर धर्मराज अगेंस्ट अगेंस्ट बैन जोरिया भगत ऑन ग्रेजिंग एंड टिम्बर। अब ये अंग्रेज क्या कर रहे थे ना, कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने ट्राइबल्स पे बड़ा अत्याचार अचानक कर दिया, इन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट वगैरह जब घोषित कर दिया ना, तो ये ट्राइबल्स को ना तो अंदर जंगल में जाने देते थे, और देखो इनकी ट्राइबल्स की तो ज़िंदगी ही वहीं थी, सब कुछ वहीं से था उनका, लकड़ियाँ लाना, प्रोडक्ट्स लाना, खाना पीना, सब कुछ उनका वहीं जंगल में था, और ये अचानक उनको जाने आने जाने से बंद कर दिया, तो ऑब्वियसली रिवोल्ट होना ही था, है ना। भुवन एंड चुआंग, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। काचा नागस, मुंडा आंदोलन, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उलगुलन भी बोलते हैं इसको, 1899 में हुआ था, लीडर बिरसा मुंडा जी, लैंड सिस्टम के खिलाफ, मिशनरी एक्टिविटी के खिलाफ, फोर्स लेबर के खिलाफ था ये, ठीक। जो इम्पोर्टेंट नहीं है मैं आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है, आप छोड़ भी सकते हो उनको, जैसे ये वाले हैं, ये कच्चा नागाज और भुयानंद जुआंग, ये ठीक है होंगे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, मतलब कभी एग्ज़ाम में आया नहीं आज तक। देखो हम लोगों ने काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिया तो हमें पता है यार कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है हमने, ठीक है, तो थोड़ा सा हमारे एक्सपीरियंस का फ़ायदा ले लो। अब देखो यहाँ पे भील्स का आंदोलन एक बार 1817 में हुआ था, जब सेवाराम थे लीडर। भील्स का आंदोलन फिर से होता है 1913 में, कब? 100 साल बाद लगभग लगभग, देख लो 1817 फिर 1913, ठीक है, लीडर इस बार गोविंद गुरु। भील जाति कहाँ है? राजस्थान की जाति है भील, ठीक है ना। गोविंद गुरु इस बार थे, प्योरिफिकेशन मूवमेंट चलाया था उन्होंने अपना, उराव का ट्राइबल मूवमेंट, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लीडर थे जात्रा भगत, 1914 में हुआ था, रिलीजियस रीजन था, ठीक है। फिर आपका है नागा रिवोल्ट, नागा रिवोल्ट आपका 1932 में, जादूनांग और रानी गाइडनीलियो, ये मेघा वहाँ का है, नागालैंड का है, ये इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। नागा रिवोल्ट 1932, जादूनांग एंड रानी गाइडनीलियो, ठीक है, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था जो आगे चल के ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट हो गया था, ब्रिटिशर्स ने इनको अपोज करने की कोशिश की, तो ठीक। तो हम इस तरीके से आपका ये ख़त्म हो जाता है, तो हम एक बार फिर से इम्पॉर्टेंट जो है ट्राइबल रिवोल्ट उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। चुआर ट्राइबल रिवोल्ट 1766 से 1772 में, राजा जगन्नाथ इसके लीडर थे। भील्स 1817 में, सेवाराम है लीडर। रामोसी 1822, चित्तूर सिंह, प्रताप सिंह, दत्ताराय पाटकर। अहोम 1828 टू 33 चला 5 साल, गोमाधर कुंवर इसके थे लीडर। खासी रिवोल्ट तीरथ सिंह 1829-1832, ठीक, 1829-32। संथल 1855 से 56, सिद्धू और कानू, ठीक है। फिर आपका है मुंडा आंदोलन 1899, बिरसा मुंडा। तो आप देखो कहीं ना कहीं आप देखो 1856 से पहले भी बहुत सारे रिवोल्ट हुए इनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, है ना। हम ऐसा नहीं है कि हाँ हम जब से अंग्रेज इंडिया में आए और इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की हम लोग चुपचाप बस इनका सहते रहे, नहीं, हम लोग हमेशा से ही इनके खिलाफ चलाते रहे रिवोल्ट, है ना। हाँ यूनाइटेड नहीं हो किया हमने, वो अलग बात है, लेकिन हम आवाज़ उठाते रहे हमेशा से, हर कोने में इंडिया के आवाज़ उठती रही, ठीक। 1899 तक हम देख लिए। भील्स का एक बार फिर से रिवोल्ट होता है 1930 में, इस बार गोविंद गुरु लीडर थे। ओराओं का, अच्छा ये एक हो जाता है कि भील्स का अगर आपको दे दे भील ट्राइबल मूवमेंट, तो आप कैसे उसको करोगे कि कौन सा पहले था कौन सा बाद में था, है ना। तो आप देखना कि उनके साथ साथ कॉम्बिनेशन का कौन सा है, अगर तो 1900 से पहले वाले हैं तो आप इसको कंसिडर करो, है ना, कॉम्बिनेशन में 1900 के पहले वाले। अगर 1900 के बाद वाले दे रहा है तो सबसे पहले इसी को ले लो, ठीक। फिर ओराओं का, ओराओ ट्राइबल रिवोल्ट, जात्रा भगत इम्पोर्टेंट थे, लीडर थे यहाँ के, ठीक है। फिर नागास का रिवोल्ट होता है 1932 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जादू नागान, रानी गाइडनीलियो, ठीक है, रिफॉर्म मूवमेंट था जो बाद में चल के ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट बन गया, ठीक है। तो ये था आपका ट्राइबल मूवमेंट, होप इसमें कुछ ज़्यादा समझने को था नहीं, आपको सिर्फ याद रखना है जो इंपॉर्टेंट थे, मैंने उन पर आपको हाईलाइट कर दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।